बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 42 है। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 41 में हमने डिस्कस किया था 2.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तक, तो आज हम यूनिट नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 5 और इससे ऑनवर्ड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो 2.5 न्यूमेरिकल है कि कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, कि कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है और 5 सेकेंड तक वो इसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहती है। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद द यूनिफॉर्म डिस्टेंस, फिर उसको उसके ऊपर जो है वो ब्रेक अप्लाई होती है। जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो कार आराम आराम से नेक्स्ट 5 सेकेंड में, यानी ओवरऑल 10 सेकेंड में वो क्या होती है, यूनिफॉर्म डीसेलरेशन के साथ रेस्ट में आती है। आपने क्या करना है, आपने ये डीसेलरेशन फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, कार ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है वाइल ड्यूरिंग दिस डीसेलरेशन, ठीक है, तो आपने वो फाइंड करना है। तो एज़ गिवन डाटा इज इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी आई 40 मीटर पर सेकेंड गिवन है, इनिशियल टाइम t1 जो है वो 5 सेकेंड गिवन है, टाइम इन विच द कार कम्स टू रेस्ट t2 वो 10 सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी vf क्योंकि कार जाके रुक जाएगी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। डीसेलरेशन हमने फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार फाइंड करना है। डीसेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at हमारे पास है, तो हम उसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, vf की जगह 0, vi की जगह 40, t की जगह 10, तो यू विल सी दैट कि कार -4 मीटर पर सेकेंड के डीसेलरेशन के साथ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के डीसेलरेशन के साथ रेस्ट में आ रही है। नाउ टू फाइंड टोटल डिस्टेंस वी यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, लेकिन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार जो है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर आप की जो कार है वो चूँकि एक एरिया अंडर द ग्राफ जो फॉर्म करी है वो जनरली एक ट्रेपीजियम की शेप में होगा। अगर आप इसका ग्राफ देखें तो ट्रेपीजियम शेप में आप लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ये वाली जो लाइन है ये आप काट दें स्टूडेंट्स, ये नहीं है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, दैट इज 1/2 इंटू ए सी प्लस ओ सी विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रेपीजियम, ओ इज़ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रेपीजियम। जब आप ओवरऑल इनको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 400 मीटर वुड बी द एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये एरिया है टोटल डिस्टेंस को शो करेगा जो कि आपकी कार ने मूव की है रेस्ट में आते हुए। नेक्स्ट है 2.6 के, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट मूव्स, इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, चूँकि ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट किया उसने, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड स्केयर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर, स्पीड आपने किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है, और साथ हाँ स्पीड आपने फाइंड करनी है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। तो वी एफ आपने फाइंड करना है, डिस्टेंस 100 मीटर दिया हुआ है, जो वी एफ आएगा उसको फिर किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। वी एस एस फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स एस बल्कि वी एफ फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइम का जब कंसेप्ट नहीं, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज़ कर सकते हैं। 2s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, तो यह जगह 2 इंटू a क्या 0.5, s के 100, वी एफ स्केयर हमने फाइंड करना है, वी आई स्केयर 0। तो जब आप इसका स्क्वेयर रूट लेंगे 100 का, तो दिस वुड बी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसने इसको आपने चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इट वुड बी वेरी इजी, आप 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दिस वुड बी इन द किलोमीटर पर आवर विच इज़ 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल स्टूडेंट एग्जैक्टली इसी मैनर में है, इसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल 2.9 चेक करेंगे, ठीक है, वहाँ से इसका आपको आंसर मिलेगा। उस एग्जाम्पल को पहले परफॉर्म करें, और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में है एग्जैक्टली ये आपका जो 2.7 है ये एज ए असाइनमेंट आपने करना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, सी एग्जाम्पल 2.9 फ्रॉम टेक्स्ट बुक, डू योर सेल्फ एज ए प्रैक्टिस ऑन नोटबुक, ठीक है, फिर इसको नोटबुक पे परफॉर्म करें, तो आपने इसको एज ए प्रैक्टिस करना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या व्हाट्सएप के थ्रू जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर जो है नोट्स के ऊपर गिवन है,
कि अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।